नमस्कार, क्रिएटिविटी विथ राधा में आप सभी का स्वागत है। इस समय आलू काफ़ी अच्छे और सस्ते मिल रहे हैं, तो हमें आलू के पापड़ बनाकर स्टोर कर लेना चाहिए। पर यदि आलू के पापड़ बेलकर बनाने में झंझट लगती हो तो बिना बेले ही हम थोड़ी सी आलू में ढेर सारे पापड़ तैयार कर सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। आलू के पापड़ बनाने के लिए हमने मीडियम साइज के 3 आलू ले लिए हैं और 1 चम्मच नमक लिया है और 1/3 चम्मच चिली फ्लेक्स ले लिया है, थोड़ी सी हरी धनिया ली है और 1 बाउल हमने ले लिया, इसमें 1 ग्लास पानी डाल देते हैं। अब हम इन आलुओं को छीलेंगे। इन आलुओं को छीलकर पानी में डाल देंगे, क्योंकि आलू छील कर यदि ऐसे रखी जाए तो जल्दी से काली पड़ने लगती है, इसलिए हम सारी आलुओं को छीलकर पानी में डालकर रख लेते हैं। पहले सारे आलू छीलने के बाद हम इन्हें बारीक बारीक काट लेते हैं। बिल्कुल पतली पतली सी छोटी छोटी सी आलू हम काट कर इकट्ठा कर लेते हैं। आलू की पीसें छोटी छोटी और पतली पतली होना चाहिए। यदि आलू की पीसें थोड़ी भी बड़ी रहेंगी तो पीसने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और जितनी ही बारीक रहेगी उतना ही अच्छा पेस्ट बनकर तैयार होगा। आलू हमने सारी काट ली है, इसको अच्छे से हम पानी में धुल लेंगे। धुलकर हमने दूसरे बाउल में डाल दिया और अब हम पुनः इसे इस पानी से भी अच्छे से धुलकर दूसरे पानी में फिर से डाल देते हैं। तो देखिए अब पानी बिल्कुल साफ़ है, आलू अच्छे से साफ हो चुकी है। अब इन आलुओं को हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। आलुओं की सफ़ेदी बरकरार है क्योंकि इसे हमने लगातार पानी में रखा है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालकर इसे अच्छा सा हम बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हमने इसको अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। यदि पीसने पर थोड़ी बड़ी आलू रह जाती है तो हम इसे पुनः पीस लेंगे, लेकिन हमारा आलू अच्छे से पीस चुका है। अब हम एक पतीली ले लेते हैं और इसमें आलू के पेस्ट को निकाल लेते हैं। आलू का पेस्ट काफ़ी अच्छा बना है, इसमें आलू बिल्कुल खड़ी नहीं है, बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। 2 कप पानी हमने डाल दिया और 3रा कप पानी हम मिक्सर जार में डालकर तब डालेंगे, तो ताकि हमारी जो सारी आलू है वो सब इसमें आ जाए। और 1 कप पानी हम मिक्सर जार में डाले थे पीसते समय, तो इस तरह से हम 4 कप पानी डाल चुके हैं, मतलब कि 1 आलू में लगभग हमने 1.25 कप पानी डाला, तो 3 आलू में हमने टोटल 4 कप पानी डाला है। तो यदि यही क्वांटिटी रखी जाएगी तो इस तरह के पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। और अब हमने पतीली को गैस पर चढ़ा दिया है और लगातार हम हाथ चलाते हुए आलू के पेस्ट को चलाते रहेंगे। हमें हाथ बिल्कुल बंद नहीं करना है, क्योंकि यदि हमने हाथ बंद कर दिया तो पतीली के तले में आलू लगने लगेगी। और ध्यान रहे कि हमें जब भी इस तरह के पापड़ बनाने हों तो पतीली हमें थोड़ी मोटे तले की लेना चाहिए, तो जिससे इसमें आलू नहीं लगते हैं। और लगातार हमें पतीली के जो तला है उससे लगा कर करछी को तब चलाना है, तो हमारा ये आलू का पेस्ट नीचे तले में बिल्कुल जमेगा नहीं और लगेगा नहीं। देखिए आलू का पेस्ट जैसे जैसे बॉयल हो रहा है गाढ़ा होता चला जा रहा है। इसे हमें ध्यान रखना है कि लगातार हमें चलाना ही है, बिल्कुल हाथ बंद नहीं करना है। और देखिए आलू अच्छे से बॉयल होने लगा है, आलू का पेस्ट बहुत अच्छा बन चुका है और लगभग ये तैयार हो चुका है। आलू का पेस्ट हमें बहुत अच्छी तरह से पका लेना चाहिए, नहीं तो आलू के पापड़ थोड़े काले काले से बनते हैं। यदि अच्छे से पका रहेगा तो आलू के पापड़ बिल्कुल साफ साफ सफ़ेद बनेंगे। और अब हमने इसमें स्वादानुसार नमक भी 1 चम्मच डाल दिया है, और नमक ध्यान करके ही हमें डालना है, इसमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापड़ जब सूखते हैं तो नमक इसमें ज़्यादा पता चलने लगता है, तो इसलिए नमक हमें थोड़ा ही डालना है। अब हमारा आलू का पेस्ट बनकर रेडी है, इसे हमने उतार लिया और लगभग 5 मिनट बाद अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी, अजवाइन, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो उसे डालकर आप मिक्स कर सकते हैं। देखिए इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। पूरा चिली फ्लेक्स, धनिया पत्ती डालने से ये काफ़ी अच्छा लगने लगा। इसे धूप में पॉलीथीन के ऊपर इस तरह से फटाफट चम्मच से डालकर फैला देते हैं। देखिए लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इसको फैलाने के बाद, और ये पापड़ लगभग काफ़ी सूख भी चुके हैं
तो किनारों पर ये अपने आप सूखने के बाद छोड़ देते हैं। तो इससे हम जहाँ जहाँ से किनारे फट चुके हैं उसको पकड़कर इस तरह से पलट देंगे। इन्हें पलटने में भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि यह पॉलीथीन है। पॉलीथीन में किसी भी तरह के पापड़ आसानी से पलट जाते हैं। ये सूखने के बाद अपने आप किनारे छोड़ देते हैं, तो हम बस उन्हीं किनारों से पकड़कर पलट लेते हैं। जैसे कि मैं पलट रही हूँ, देखिए बहुत आसानी से पलट जाते। सारे पापड़ पलटने के बाद मैंने इन्हें शाम तक सुखा लिया। पापड़ पूरी तरह से सूख चुके हैं और चूँकि ये पापड़ बहुत पतले बनते हैं, देखिए बिल्कुल झिल्ली जैसे पतले पापड़ हैं। तो जिस तरह के पापड़ बनाने में आसान तो होते ही हैं, वो पतले बहुत होते हैं। देखिए तीन आलू में इतने ढेर सारे पापड़। ये पापड़ 130 पापड़ हैं और सिर्फ मीडियम साइज़ के तीन आलू से बनकर तैयार हुए हैं। तो ये पापड़ की क्वांटिटी बहुत होती है और क्वालिटी तो रहती ही है। तो चलिए अब मैं तलकर बताती हूँ इन्हें। अब हम गैस की तरफ आ गए हैं। गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया। पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। हमने लगभग 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिए। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि पापड़ तलने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तेल गर्म हो चुका है। अब हम पापड़ों को डाल देंगे। देखिए ये पापड़ बहुत पतले होते हैं, इसलिए फटाफट इन्हें हमें निकालना होता है। इन्हें हमें उलटना पलटना नहीं है, बस पापड़ डाला और फट से निकाल लिया, तुरंत हो जाते हैं। यदि थोड़ी भी देर हुई तो पापड़ लाल पड़ जाएंगे और लाल पापड़ थोड़े कड़वे से लगते हैं। बस डालिए और निकाल लीजिए, इतनी जल्दी ये पापड़ सिक जाते हैं क्योंकि बहुत पतले होते हैं। और तेल हमारा बस थोड़ा गर्म हो तभी हम इन्हें तल लें, जिस तरह से मैं तल रही हूँ। तो इस तरह से यदि मेथड पसंद आता है तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, और अभी तक भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपका अपना अनुभव मेरे चैनल पर लिख भेजिए। थैंक यू।